बात अब बुरहानपुर की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश भर में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए प्रदेश भर में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। इसी दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बुरहानपुर पहुंचे। सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पत्रकारों से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह वास्तविकता दिखाना है कि आने वाला कल भारत का प्रखरता वाला सूरज होगा। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश जनसंघ के जमाने से केंद्रीय भूमिका में रहा है और इस कालखंड में मध्य प्रदेश साथ में नहीं लीडिंग पोजीशन में होगा। मध्य प्रदेश के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रही और बुरहानपुर में आज हम सबने डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना कि कल देश का कैसा था, आज कैसा है और कल कैसा होगा और वैसा स्वर्णिम कल होने के लिए हम सबकी क्या क्या भूमिका है। ये वो वास्तविकता दिखाना है कि कल क्या था। कल एक अंधकार में धुंधलाता हुआ कल था, आज अमृत काल का उषा काल है, यानी स्वर्णिम समय दिखाया पा रहा है और कल यानी आने वाला कल जो होगा वो भारत का प्रखरता का सूर्य होगा और मध्य प्रदेश जो भारत का केंद्रीय प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सदैव से केंद्रीय भूमिका में रहा है जनसंघ के जमाने से, तो मुझे लगता है कि इस कालखंड में मध्य प्रदेश सिर्फ साथ में नहीं होगा, लीडिंग पोजीशन में होगा। बुरहानपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी मुख्य वक्ता के रूप में पधारे थे और इस आज के कार्यक्रम का विषय था मध्य प्रदेश कल आज और कल। कल हमारा मध्य प्रदेश कैसा था, आज कैसा है और हमारा मध्य प्रदेश आगे किस ओर बढ़ना चाहिए।